हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ऑटो कैड। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे चैनल पे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके सबसे पहले। आज के इस वीडियोस में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ डायमेंशन मेनू। सो स्टार्ट करते हैं डायमेंशन मेनू से। डायमेंशन मेनू में पहला ऑप्शन आता है क्विक डायमेंशन। क्विक डायमेंशन का आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो और डायमेंशन कैसे आप क्विक डायमेंशन का मेज़र करके आप दिखा सकते हो, क्विक डायमेंशन का यूज़ आप कैसे कर सकते हो। तो क्विक डायमेंशन का यूज़ करने से पहले मैं कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे एक लाइन, लाइन के लिए मैंने कमांड एंटर किया, एल एंटर। बेसिकली कोई भी एक ड्रॉइंग बना लेते हैं। अभी मैंने कुछ भी ड्रॉ कर लिया। अब इसमें लाइंस का मुझे मेजरमेंट करना है, तो हम जाएंगे गो टू द डायमेंशन एंड क्विक डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। क्विक डायमेंशन का ये बेनिफिट होता है कि मान लो इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी मैं क्लिक करूँगा, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, इसका जो भी दोनों का एंड पॉइंट होगा ऑटोमेटिकली आप जैसे ही एंटर करोगे ये मेज़र करके आपको दे देगा। दिख रहा है यहाँ पर, अभी ये जो लाइन है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी जो विथ है वो है 15.1986। बाई डिफ़ॉल्ट जो आपका मेज़रमेंट यूनिट होता है वो mm में होता है। आप चाहिए रहेगा मेज़रमेंट यूनिट, डिस्प्ले यूनिट आप चेंज कर सकते हो। वो अभी मैं आगे आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह से मेज़रमेंट यूनिट को चेंज करना है, और ये जो शो करना है वो आप जिस भी मेज़रमेंट mm में, इंचेस में, सेंटीमीटर, मीटर, तो जिसमें भी आप शो ऑन करना चाहो उसमें आप इस मेज़रमेंट यूनिट को चेंज करके शो कर सकते हो। तो अभी बेसिकली देखते हैं वन बाय वन करके। तो यहाँ पे डायमेंशन पहला ऑप्शन आता है क्विक डायमेंशन। क्विक डायमेंशन पे एक बार अगेन देख लीजिए, क्लिक करते हैं हम क्विक डायमेंशन को, और जैसे ही हम लाइन के ऊपर आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो देखिए लाइन अभी सेलेक्ट हो जाती है। तो ये लाइन का जो भी हाइट रहेगा या विथ है, जो भी लाइंस का यहाँ पे देख रहा होगा आपको हाईलाइट हो रही है ये लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक इसने मेज़र कर लिया। और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक उसका मेज़रमेंट होके आ जाता है यहाँ पे। सेम थिंग है नेक्स्ट, अगर देखते हैं आता है उसके बाद लीनियर। इसमें क्या होता है कि जब भी आप मेज़रमेंट करोगे तो आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, यानी आपकी लाइन 0 डिग्री या 90 डिग्रीज के एंगल पे रहेगी, तो उसके मेज़रमेंट के लिए आप इसका यूज़ लीनियर का कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है उतनी एरियाज़ को ही आप क्लिक करके, जैसे एक पॉइंट आपका पहला पूछेगा कि फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, यानी आप किस चीज़ का मेज़र करना चाहते हो। जैसे मैं इस लाइन पर क्लिक करता हूँ अभी इस पॉइंट से, अब इस पॉइंट से इसका नेक्स्ट पॉइंट कहाँ तक आप मेज़र करना चाहते हो, जहाँ तक, तो जहाँ तक आप मेज़र करना चाहते हो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे अभी मुझे यहाँ से लेके इस पॉइंट तक आपको मेज़र करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, उस पॉइंट से उस पॉइंट तक का मेज़रमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड अगर हमें इस कमांड को रीएक्टिवेट करना है तो आपको स्पेस बार या एंटर कर दीजिए, आपका कमांड वापस से अगेन एक्टिवेट हो जाएगा। आप चाहिए रहेगा क्लिक करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि आपने जो भी बनाई हुई लाइन है उसका मेज़रमेंट क्या है, तो आपको यहाँ पर सोन हो जाएगा। डायमेंशन में नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। इसका क्या यूज़ है और ये यूज़ कमांड क्यों नहीं कर सकते आप, जैसे अगर मैं कुछ बना के यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एंड क्लिक करते हैं। अभी इस लाइन को मैं एंगल लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, इफेक्ट को ऑफ कर दिया, ऑर्थो को यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये लाइन है, इसका मेज़रमेंट अगर मैं डायमेंशन में जाता हूँ और लीनियर का यूज़ करके इसे मेज़र करता हूँ, देखिए इस पॉइंट पर क्लिक किया और जैसे ही मैंने ला के इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं, और इसका डायमेंशन देखिए क्या दिखा रहा है। अभी ये जो मेज़रमेंट है ये इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट का दिखा रहा है 5 पॉइंट, बट ये मेज़र, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ये करेक्ट मेज़रमेंट इसका नहीं है। इसके लिए हम डायमेंशन में जाएंगे। अगर इस तरह की कोई भी एंगल लाइन होगा तो उसके लिए आप अलाइन इट का यूज़ करोगे, क्लिक करोगे, देखो इस पॉइंट से लेके सेकेंड पॉइंट तक में जैसे ही क्लिक करते हैं ये इसका एग्जैक्टली प्रॉपर डायमेंशन है इस लाइन का। सो आपको समझ में आ गया होगा कि कब आपको कहाँ पे अलाइनेड यूज़ करना है, कहाँ पे लीनियर यूज़ करना है, या कहाँ पे आप क्विक डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं। क्विक डायमेंशन ऑटोमेटिकली मेज़र कर लेता है फर्स्ट टू सेकेंड, आप जस्ट सेलेक्ट करके क्लिक करते हो तो यहाँ पे इस तरह से ये मेज़र होके आ जाता है। बट अलाइनेड रहेगा लाइन तो वहाँ पर आपको क्विक डायमेंशन नहीं यूज़ करना है। अगर क्विक डायमेंशन यूज़ करोगे तो देखो इस तरह से ये स्ट्रेटली 0 डिग्री या तो 90 डिग्रीज के एंगल को ही मेज़र करेगा, ना कि अलाइनड। तो ये एंगल लाइन है इसलिए हम यूज़ करेंगे डायमेंशन से अलाइनड। नेक्स्ट मेजरमेंट टूल आपको डायमेंशन में दिया हुआ है आर्क। अगर हमें आर्क का लेंथ पता करना हो तो हम आर्क लेंथ वाले यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एंटर कर दिया मैंने, अभी ये आर्क ड्रॉ किया हुआ। इसका अगर हमें मेज़रमेंट करना है तो गो टू द डायमेंशन
एंड यहाँ पे आर्क लेंथ दिया हुआ है, आप जस्ट सेलेक्ट करिए एंड क्लिक करिए, तो ये यहाँ पे आर्क का लेंथ आपको दिखा देगा कि ये आर्क क्या है, इसका लेंथ कितना है। तो आर्क लेंथ का आप यूज़ कर सकते हो डायमेंशन से जाके, आर्क लेंथ एंड आपके आर्क का जो भी आपने आर्क ड्रॉ किया हुआ उसका लेंथ आपको शो ऑन करेगा। नेक्स्ट कमांड देखते हैं, तो नेक्स्ट कमांड है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट लाइन क्या होती है, इसका किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो मेजरमेंट के लिए। ऑर्डिनेट लाइन का हम लोग, जैसे अगर हमें पहले ऑर्डिनेट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे मैंने कोई भी स्ट्रेट लाइन लेते हैं, वन बाय वन करके मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लाइन है एंड नेक्स्ट दूसरी लाइन एक ड्रॉ कर ली, यानी पैरेलल आपके पास बहुत सारे लाइनें आपने ड्रॉ कर रखी है। अब मुझे ऑर्डिनेट लाइन का यानी डायमेंशन यूज़ करोगे, ऑर्डिनेट डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इस लाइन के ऊपर देखिए, क्लिक कर दीजिए एक पॉइंट से दूसरे। अब ये 15.6161, ये क्या है 15.6161? अगर मैं यहाँ पे दूसरी लाइन पे भी क्लिक करता हूँ, इस तरह से मेजर करता हूँ, अगर ये पहले वाले वैल्यूज़ में से ये सेकंड वाली वैल्यूज़ को अगर माइनस करते तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। देखिए मैं यहाँ से लीनियर लेता हूँ और क्लिक करता हूँ इसको और इस पर, अब अगर इस दोनों में से माइनस करते हो 15.6161 में से अगर 1.0423 तो आपको मिलेगा 14.5739। तो इस तरह से लीनियर आप यूज़ करोगे तो ये एक में से दूसरे आपको कंटिन्यू। ऑर्डिनेट लाइन लेता हूँ, देखिए क्लिक कर देते हैं एंड नेक्स्ट वापस से अगेन कमांड को एक्टिव करते हैं एंड क्लिक करते हैं स्पेस बार या एंटर करके कमांड। तो इस तरह से आप पहले वैल्यू में से सेकंड वाला माइनस करोगे तो इन बिटवीन स्पेस मिल जाएगा, दूसरे में से तीसरे को माइनस करोगे तो इसके बीच का गैप आपको मिल जाएगा एंड तीसरे में से चौथे को माइनस करोगे तो इस लाइन के बीच का गैप मिल जाएगा। उसके लिए इस तरह के डायमेंशंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऑर्डिनेट लाइन का यूज़। नेक्स्ट डायमेंशन टूल आता है आपको रेडियस। अगर हमें रेडियस मेजरमेंट करना है तो आप रेडियस का मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे एक सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि हमारा एक सर्कल है। अब इस सर्कल का रेडियस क्या है ये पता करने के लिए आप गो टू द डायमेंशन, डायमेंशन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है रेडियस, रेडियस पे क्लिक करते हैं। ये जो हमारा सर्कल है इसके बॉर्डर लाइन पे आप क्लिक कर दीजिए तो इस सर्कल का ही आपको साइड में रेडियस दिखा देगा R1.5100। तो ये इस तरह से अगर आपको रेडियस चेक करना है तो गो टू द डायमेंशन एंड रेडियस एंड जोगेट करके दिया हुआ है नेक्स्ट ऑप्शन। सिमिलरली ये भी आपको रेडियस ही बताता है, जैसे इसका मैंने जब रेडियस पे क्लिक किया तो डायमेंशन जो है वो आउटर मैंने शो किया, अगर इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये सर्कल के अंदर ही इसका जो मेजरमेंट होगा आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से सेम थिंग है, बस खाली शो ऑन करने का इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि आप इसको सर्कल के यानी इस सर्कल के अंदर ही उसके डायमेंशन को हम दिखा सकते हैं और इसमें हम इस सर्कल का जो डायमेंशन यानी रेडियस है वो आउटर भी शो ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपको डायमीटर, यानी रेडियस और डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, इस सर्कल का यहाँ से यहाँ तक मेजर करके देगा, यानी आपका रेडियस का डबल होगा। देख लीजिए क्लिक करते हैं तो 1.51 इज़ अ रेडियस, तो डायमीटर इज़ अ 3.0200 होगा। तो आपको जब भी डायमेंशन में आपको सर्कल का रेडियस या डायमीटर चाहिए रहेगा तो गो टू द डायमेंशन एंड डायमेंशन में आप रेडियस यूज़ कर सकते हो या डायमीटर। एंड नेक्स्ट अगर मेजरमेंट टूल देखते हैं तो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एंगल। किसी भी लाइन का अगर आपको एंगल पता करना है तो यहाँ पे एंगुलर करके दिया हुआ है डायमेंशन, डायमेंशन में आप उसके थ्रू आप एंगल पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक ड्राइंग कर लेता हूँ मैं कुछ, अब ये दो चीज़ें मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे एक लाइन और इसमें, यहाँ पे हमें डायमेंशन यानी इसके एंगुलर को पता करना है कि इसमें कितने डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है। तो एंगुलर पे क्लिक करते हैं और इस लाइन फर्स्ट वाली लाइन और सेकंड वाली लाइन पे जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे ये 90 डिग्रीज़ का एंगल बना रहा है। और ये चेक करना है तो अगेन हम गो टू द डायमेंशन एंगुलर और इस लाइन पे क्लिक करके और इस लाइन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 101 डिग्रीज और यहाँ पे 90 डिग्रीज़ की एंगल बन रहे। तो एंगल लाइन चेंज करने के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन पे आप क्लिक करके एंगुलर आप क्या कर सकते हो चेक ऑन करने के लिए यूज़ कर सकते हो एंगुलर कमांड। नेक्स्ट आता है बेसलाइन। बेसलाइन का यूज़ क्या है कि जैसे मैंने अभी जैसे इसमें ड्रॉ किया, अगेन अगर हम इस पर क्लिक कर देते तो हमारा डायमेंशन जो है देखो रीएक्टिवेट हो जाएगा,
यानी उस जो लास्ट का पॉइंट होता है जिस पे आप क्लिक करते हैं, यानी जहाँ से हमने बेस मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था डायमेंशन को, अगेन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कहाँ तक, जैसे अभी ये मुझे एंगल इतना ही मेजर करना है तो 46 डिग्री बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए जिस तरह से मैं लेके आऊँगा नीचे, वैसे डिग्रीज बढ़ती जाएंगी। एंड अगर आप 360 डिग्री तक लेके जाओगे तो इस तरह से ये डिग्रीज आपकी यहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो आप डिग्रीज देख सकते हो मेज़र करना, यानी आपका मेजरमेंट टूल अगर आपको एक्टिव करते हो तो देखो वन बाय वन करके वो एक्टिवेट होते जाएगा। तो इस तरह से मैं क्लोज कर देता हूँ एंटर करके। उसके बाद आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब हमारे डायमेंशन को वापस से एक्टिवेट कर देगा। देखो वापस से अगेन हमारा एंगुलर जो डायमेंशन है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो आप कंटिन्यू कर सकते हो इसे डायमेंशन को अगेन, अगर एक्टिवेट करना है आपको, यूज़ करना है तो वापस से आप क्या कर सकते हो, गो टू द डायमेंशन एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। या इजी मेथड है कि आप एंटर बटन या स्पेस बटन प्रेस करिए, आपका कमांड रीएक्टिवेट हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट आता है आपको डायमेंशन स्पेस। डायमेंशन स्पेस का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अगर हमने कुछ डायमेंशन ऑलरेडी आपने दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ एक ड्राइंग, अब इसमें डायमेंशन का स्पेस हमें बढ़ाना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, गो टू द डायमेंशन, यहाँ पे है डायमेंशन स्पेस, इन बिटवीन डायमेंशन स्पेस बढ़ाना है तो पहले वाले को सेलेक्ट करिए और दूसरे वाले को जैसे ही सेलेक्ट करके आप एंटर करोगे तो आपसे पूछेगा एंटर अ वैल्यू। आप डायमेंशन में वैल्यू सेंटर करना चाहते हो कि आपको फर्स्ट एंड सेकेंड डायमेंशन इन बिटवीन कितना स्पेस चाहिए रहेगा, तो आप वैल्यू सेंटर कर सकते हो। ऑटो रखोगे तो सिस्टम में ऑटोमेटिकली जितनी स्पेस की नीड होगी उतना ही ऑटो खुद से सेट कर लेगा। तो यहाँ पे एंटर करता हूँ, ऑटो में देखिए खुद से सेट कर लेगा इसे इतनी ही स्पेस चाहिए रहेगा। अदरवाइज आप खुद से चाहते हो जैसे कि यहाँ पे स्पेस आप सेट करो तो डायमेंशन स्पेस पहले डायमेंशन को एंड दूसरे डायमेंशन को सेलेक्ट करके एंटर करिए। ऑटो के जगह मैं डाल देता हूँ, अगर टू का डिफरेंस चाहिए रहेगा तो टू का यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस, इस तरह से देखिए सेट हो गया है। ये डायमेंशन स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो उसके बाद आता है डायमेंशन ब्रेक। डायमेंशन ब्रेक का मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन देखिए यहाँ पे क्रॉस हो रहा है एक दूसरे को, आप चाहिए रहेगा तो जैसे ही क्लिक करोगे पहला और जिस लाइन को आप ब्रेक करना चाहते हो उस लाइन पर क्लिक करिए, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं डायमेंशन ब्रेक। उसके बाद आता है मल्टी लेजर। मल्टी लेजर में क्या होता है, आप क्लिक करिए, आप कुछ अगर आप कोई ड्राइंग के बारे में इंफॉर्मेशन इस तरह से शो ऑन करना चाहते हो, इफेक्ट को ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे हमें इस तरह से कैरो आ जाएगा और यहाँ पे आगे आपको जो भी लिखना हो उस डायमेंशन से या ड्राइंग से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो टाइप कर सकते हो। आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल भी होगा जिससे आप जो टाइप कर रहे हो उस टेक्स्ट का साइज़ आप चाहिए रहेगा तो बढ़ा सकते हो, यहाँ पे कितना चाहिए रहेगा इस तरह से साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हो। कौन सा टेक्स्ट स्टाइल चाहिए रहेगा, उसमें कलर कौन सा चाहिए रहेगा, तो आप कलर भी चेंजेस कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी लेज़र लाइन आपको कुछ दिखाना है कोई इन्फॉर्मेशन, तो आप डायमेंशन में जाके मल्टी लेज़र ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं टॉलरेंस में। इसमें आएगा ज्योमेट्रिक टॉलरेंस आता है जिसमें आपको अलग अलग आप सिंबल्स ऐड कर सकते हो। क्लिक करिए इसमें से जो भी सिंबल चाहिए एंड देन उस सिंबल का वैल्यू क्या चाहिए रहेगा वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। क्लिक करिए एंड यहाँ पे क्लिक करिए आपको क्या वैल्यूज है इस तरह से ऐड कर सकते हो। उसके हाइट आइडेंटिफायर एंड प्रोजेक्ट जोन क्या होगा एंड क्लिक करिए तो एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स एक टेबल बन जाता है जिसमें हम जो भी वैल्यूज ऐड करते हैं वो सारे वैल्यूज यहाँ पे शो ऑन होता है। सो गाइस आज के वीडियोस में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।